फायरबोल्ट प्रिस्टीन स्मार्ट वॉच। आज की वीडियो में स्मार्टफोन से स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करके आपको सारी सेटिंग्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए आपको द फिट नाम से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक सी डिटेल फिल कर देनी है, जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट। उसके बाद नीचे राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी टर्म एंड कंडीशन आती है उनको अलाउ कर देना है। तो अब स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको सेंटर वाले टैब में जाना है और यहाँ पर आपको ऊपर ही दिख जाएगा ऐड अ डिवाइस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्मार्ट वॉच आ गई है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और हमारी स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो गई है एप्लीकेशन से। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए स्मार्ट वॉच को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको पेयर पर क्लिक कर देना है। अब हमारी स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन की क्या क्या सेटिंग करनी है जो आपकी स्मार्ट वॉच बार बार डिस्कनेक्ट ना हो आपके स्मार्टफोन से। उससे पहले आपको ऐप का इंटरफेस बता देता हूँ। फर्स्ट टैब में आपकी जितनी भी एक्टिविटी होंगी उनके बारे में आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। सेकंड टैब में स्मार्ट वॉच से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं इनके बारे में भी हम आएंगे। जो थर्ड टैब है इस पर आप आओगे तो सबसे ऊपर मिल जाता है आपको प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर आके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गोल, आप दिन में कितने स्टेप्स चलना चाहते हैं आप यहाँ से अपना गोल सेट कर सकते हैं। और आप अपने ऐप के साथ गूगल फिट को भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर जो आप गूगल फिट का यूज़ करते हैं तो। और सबसे इम्पोर्टेंट है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड, ये आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पर सेटिंग बताता है कि आपको अपने ऐप की क्या क्या सेटिंग करनी है जो आपकी स्मार्ट वॉच बार बार डिस्कनेक्ट ना हो। उससे रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी UI के बारे में बताया हुआ है। सैमसंग UI, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, इनमें से आपका जो भी स्मार्टफोन है आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपको कैसे कैसे जाके क्या क्या सेटिंग करनी है। अगर आपको मैं नॉर्मल वे में बताऊँ तो आपको एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड डाटा यूसेज है उसको ऑन कर लेना है और जो ऑटो रन है उसको ऑन कर लेना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने ऐप को पकड़ के रखना है, ऐप इन्फो में जाना है और उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको बैटरी यूसेज में, इसमें जाना है और एक तो अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी इसको ऑन कर लेना है अलाउ, और दूसरा अलाउ ऑटो लॉन्च इसको ऑन कर लेना है। अगर ये सेटिंग आपको यहाँ पर आके नहीं मिलती है एप्लीकेशन मैनेजर में तो आप वापस से ऐप में आके और यहाँ पर जाके आप जिस भी ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं यहाँ से सेटिंग्स को देखकर अनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने ऐप को लॉक भी कर लेना है। ऐप को लॉक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ में आप नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करोगे तो ऐप लॉक हो जाता है, नहीं तो आपको इस तरीके से तीन टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा लॉक। सब UI में ये अलग अलग तरीका होता है ऐप को लॉक करने का। आपको ये दो सेटिंग करनी है, एक तो बैकग्राउंड ऑपरेशन वाली और दूसरा ऐप को अपने को लॉक कर लेना है। इसके बाद आपकी स्मार्ट वॉच बार बार आपके स्मार्टफोन से डिस्कनेक्ट नहीं होगी। सेकंड वाले टैब पर आओगे तो सबसे ऊपर ही आपको दिख जाते हैं वॉच फेसेस। यहाँ पर आपको दिख जाते हैं जो इनबिल्ट वॉच फेसेस हैं। फेस गैलरी पर आप क्लिक करोगे तो क्लाउड बेसिक जितने भी वॉच फेसेस अवेलेबल हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जिसको भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच पर जो वॉच फेस है वो अप्लाई हो गया है। और अगर आपको खुद का कस्टम क्रिएट करना है वॉच फेस तो उसके लिए यहाँ पर आपको एडिट पर आना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले बैकग्राउंड लेना है। उसके लिए आप AI वॉच फेस भी ले सकते हैं और गैलरी में से भी ले सकते हैं। तो मैं गैलरी में से लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैंने गैलरी में से ये फोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए एरिया में, उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है। तो ये अभी हमारा बैकग्राउंड सेट हुआ है। अभी हमें टाइम की पोजीशन रखनी है, क्या रखनी है टाइम की पोजीशन पर आपको जाना है। आप अबव रख सकते हैं या फिर बिलो रख सकते हैं। आप देख सकते हैं टाइम नीचे आ गया है और टाइम के ऊपर कुछ रखना चाहते हैं तो आप अगर जो डेट कर देंगे तो टाइम के ऊपर आपको डेट शो हो जाएगी। हार्ट रेट चाहते हैं तो आप ऊपर हार्ट रेट शो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से टाइम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं और साथ ही आप इनके जो टेक्स्ट का कलर है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है और जो हमारा वॉच फेस है वो अप्लाई होने लगा है स्मार्ट वॉच पर। तो हमारा वॉच फेस अप्लाई हो चुका है स्मार्ट वॉच पर। बाकी सेटिंग्स को देख लेते हैं एप्लीकेशन में। सबसे पहला है नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको जिस भी ऐप की नोटिफिकेशन अनेबल करनी है आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। जैसे हम फ़ोन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं उनको अलाउ कर देना है सबको। उसके बाद हम मैसेज के लिए ऑन कर लेते हैं, अलाउ कर देंगे। और आपको अगर जो अदर ऐप्स भी चाहिए तो अदर्स पर आपको क्लिक करना है, अनेबल करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको द फिट में आके इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके जितने भी अदर नोटिफिकेशन हैं इन ऐप से अलग उन सब की भी नोटिफिकेशन आपको स्मार्ट वॉच पर मिलती रहेंगी। बैक कर लेते हैं। उसके बाद है अलार्म। आपको अलार्म सेट करना हो तो यहाँ से जाके आप अलार्म सेट कर सकते हैं। शटर बटन, आप अगर जो स्मार्ट वॉच को ऐसा शटर बटन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे स्मार्ट वॉच पर और आपके स्मार्टफोन में जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा। बैक आ जाते हैं। उसके बाद फेवरेट कॉन्टैक्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप 8 कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हैं फेवरेट लिस्ट में। तो मैं ऐड पर क्लिक करके कुछ कॉन्टैक्ट ऐड कर लेता हूँ।
तो मैंने 5 कॉन्टैक्ट ऐड कर लिए। उसके बाद ऊपर डन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे कॉन्टैक्ट शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है तो हमारे कॉन्टैक्ट भी अपडेट हो चुके हैं स्मार्ट वॉच पर। यहाँ से बैक आएंगे, नीचे आपको मिलता है अपग्रेड, आपकी स्मार्ट वॉच पर कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ से आप जाके अपग्रेड कर सकते हैं। और बाकी मिलता है अदर, अदर पर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला आता है आपका फाइंड डिवाइस। फाइंड डिवाइस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है तो इन्हें कम से कम साउंड का यूज़ करना चाहिए था। उसके बाद टाइम फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो आप टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यूनिट सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर डू नॉट डिस्टर्ब का यूज़ करना तो यहाँ पर आके आप इसको अनेबल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब अप्लाई करने के बाद आपकी स्मार्ट वॉच पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। रिमाइंड टू मूव पर आप क्लिक करोगे तो एवरी आवर के बाद ही आपको वॉच रिमाइंड करती रहेगी कि आप एक घंटे से बैठे हो, आप खड़े हो जाइए, घूम लीजिए। इसको हम डिसेबल कर लेते हैं अभी। कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन, इसको आप अपने अकॉर्डिंग अनेबल कर सकते हैं। अगर जितना आप कम टाइम रखोगे उतना ही ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करेगा ये, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कंट्रोल फोन म्यूजिक, अगर जो आप इसको डिसेबल रखते हो तो आप जो भी सॉन्ग प्ले करोगे स्मार्ट वॉच पर उसका नाम नहीं आएगा। अगर जो आप इसको अनेबल कर देते हो उसके बाद जो भी सॉन्ग प्ले हो रहा होगा तो आप स्मार्ट वॉच में उस सॉन्ग का नेम भी देख सकते हैं। बैटरी सेविंग मोड अनेबल करना हो तो आप यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लैंग्वेज है, ऑटो लॉक, आपकी जो स्क्रीन है वो कितने सेकंड के बाद अपने आप बंद होनी चाहिए, इसको आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच को रीसेट करना हो तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और जो आपको मिलता है क्विक व्यू, ये आपका रेस टू वेक अप वाला फीचर, जब आप अपने हैंड को ऊपर करते हो जो आपकी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन है वो अपने आप अनेबल हो जाती है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल भी कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम को आप इसको ऑन रखना चाहते हैं। बाकी आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप हैंड रेस करोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच की जो स्क्रीन है वो विजिबल नहीं होगी, मतलब कुछ सेकंड के लिए टाइम देखने के लिए, तो इसको आप अनेबल ही करके रखना और अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लेना। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, अगर जो आप इसको अनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से आप अनेबल कर सकते हो और सारी सेटिंग्स की कर सकते हो, कितना इंटरवल रखना है, कितनी फ्रिक्वेंसी रखनी है पानी पीने की। हार्ट रेट वार्निंग को आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद 199 BPM से जैसे ही आपका ऊपर हार्ट रेट जाएगा तो स्मार्ट वॉच आपको वार्निंग देगी। वेदर अपडेट आप स्मार्ट वॉच पर लेना चाहते हैं या नहीं, आप उसको यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नीचे मिल जाता है आपको फीमेल हेल्थ वाला फीचर, आप इसको अनेबल करके यहाँ से जितनी भी सेटिंग्स हैं इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की जितनी भी सेटिंग्स थी वो मैंने सब कुछ बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉच में आपको 2 बटन दिए हुए हैं। जो ऊपर वाला बटन है वो कोई वर्किंग क्राउन नहीं है, सिंपल प्रेस बटन है और इसका यूज़ आप एज अ बैक बटन करते हैं। जो नीचे वाला बटन है इसको आप सिंगल प्रेस करोगे तो ये डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज मोड में टॉगल कर देगा। और नीचे वाले बटन को आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो तो ये डायरेक्ट वॉच फेस में टॉगल कर देता है। यहाँ से जाके आप वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। और वॉच फेस चेंज करने के लिए अगर जो आप स्क्रीन पर टैप करके रखोगे तो यहाँ से आप वॉच फेस भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है। सबसे पहले मिलता है आपको बैटरी सेविंग मोड, उसके बाद थिएटर मोड, आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह सब डिसेबल हो जाएंगी। ये वाला जो आइकन ये बताता है आपकी स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन से कनेक्ट है या फिर नहीं। यहाँ से आप डायरेक्ट वाइब्रेशन अनेबल डिसेबल कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच का, ये आपकी ब्राइटनेस मिल जाती है। और बाकी मिलती हैं सेटिंग्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको शो हो जाएंगी। राइट स्वाइप करोगे तो सबसे पहले आपको मिल जाता है रीसेंट कॉल, डायल पैड और जितने भी आपने कॉन्टैक्ट सेव किए होंगे वो आप यहाँ पर आपको सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपको स्टेप्स, स्लीप ट्रैकिंग और रनिंग से रिलेटेड आपकी सारी एक्टिविटी का डाटा शो होगा। राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड सारे सेंसर मिल जाते हैं, हार्ट रेट हुआ, BP हुआ, SPO2 हुआ। राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वेदर अपडेट। फिर राइट स्वाइप करोगे तो एज अ शटर बटन यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये आपकी स्मार्टफोन की जो एप्लीकेशन है इसके अंदर ही आके काम करेगा। जो आपकी स्मार्टफोन की जो कैमरे वाला मेन ऐप होता है उसमें वर्क नहीं करता ये। राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं म्यूज़िक कंट्रोल। म्यूज़िक कंट्रोल से रिलेटेड आपको कुछ सेटिंग्स बतानी है। अगर मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ तो उसकी साउंड स्मार्ट वॉच से आएगी। इसको डिसेबल करने के लिए आपको स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन पैनल में जाना है और UI के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ पर जैसे ये सॉन्ग प्ले हो रहा है तो यहाँ पर आपको ये वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो जो साउंड की आउटपुट है वो आपको स्पीकर में रखनी है या फिर ब्लूटूथ डिवाइस में रखनी है। तो मैं जैसे स्पीकर पर क्लिक कर देता हूँ तो इसके बाद मैं कुछ भी प्ले करूँगा तो वो स्मार्टफोन से ही साउंड आएगी। और अगर आपका स्मार्टफोन काफ़ी ही पुराना है तो मे भी हो सकता है कि आपको इस तरह की कोई भी सेटिंग देखने के लिए नहीं मिले अपने स्मार्टफोन में। उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी स्मार्ट वॉच में, वो आपको आगे बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉच के मेन्यू के बारे में। उसके लिए आपको लेफ्ट स्वाइप करना है और यहाँ पर आपको स्मार्ट वॉच का मेन्यू मिल जाता है। सबसे पहले मिलता है स्टेप्स, उसके बाद स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, एक्सरसाइज, BP, SPO2, वेदर, नोटिफिकेशन, शटर, उसके बाद म्यूज़िक प्लेयर, उसके बाद मिलता है सेटिंग। मतलब बहुत ही सिंपल सी UI आपकी स्मार्ट वॉच की। सेटिंग पर क्लिक करोगे सबसे ऊपर आपको मिल जाता है स्टॉप वॉच, फिर यहाँ से जाके आप अलार्म पर क्लिक करोगे तो खुद से यहाँ से भी अलार्म सेट कर सकते हैं।
उसके बाद टाइमर और उसके बाद आपका फ़ोन। अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट वॉच पर कोई फ़ोन आए ही ना तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ऑफ़ कर सकते हैं। जो आप इसको ऑफ़ कर देते हो तो उसके बाद आप कुछ भी प्ले करोगे अपने स्मार्टफोन में तो स्मार्टफोन में ही साउंड आएगी। अगर आपको अपने स्मार्टफोन में ये वाली यहाँ से सेटिंग नहीं मिलती है तो आप जाके फ़ोन को ऑन ऑफ़ करके स्मार्टफोन में कुछ भी प्ले कर सकते हैं। तो मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। अगर आपको कॉल रीसेट मतलब आपकी जो कॉल की हिस्ट्री है उसको सबको ये रीसेट कर देगा। उसके बाद है रिंग ऑन ऑफ। अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो आपकी स्मार्ट वॉच उसके बाद रिंग नहीं होगी। तो ये फीचर आपको इसमें अलग से दिया हुआ है। बाद में मिल जाता है मेन्यू व्यू। यहाँ पर आपको दो व्यू दिए हुए हैं, ग्रिड और एक लिस्ट व्यू। ग्रिड व्यू कुछ इस तरीके का है। स्क्रीन की ब्राइटनेस यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं स्मार्ट वॉच वाइब्रेट हो या फिर ना हो उसके लिए भी आप यहाँ पर अलग से वाइब्रेशन को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। थिएटर मोड आ जाता है दोबारा से, रीसेट, पावर ऑफ और अबाउट। बहुत ही सिंपल सी यू आई है आपकी स्मार्ट वॉच की। आपको स्मार्ट वॉच को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी स्मार्ट वॉच का फुल डिटेल रिव्यू भी आपको चैनल पर जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये स्मार्ट वॉच बाय करनी चाहिए फिर नहीं। और इसी स्मार्ट वॉच से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी या फिर आपको लगता है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।